लोकसभा चुनाव को लेकर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला को काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओम बिरला क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग मोदी को भी काफी पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज देश विदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी बढ़ रहा है। क्षेत्र में कोई समस्या है बनी हुई थी जिनको ओम बिरला ने दूर करवाया है, चाहे वो रोड की समस्या हो या पानी की समस्या क्यों ना हो। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ओम बिरला इतने ऊंचे पद पर रहने के दौरान जनता के बीच रह रहे हैं। बिरला जी को सब आसपास के पूरे लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोकप्रिय नेता है और सबकी को सम्मान देते हैं और जब भी जाए किसी से नाराज नहीं होते, सबकी बात सुनते हैं और सभी लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं पूरे एरिया। तो इस बार मोदी जी को समर्थन कैसा रहेगा? मोदी जी का इस पास कैसे बिरला जी से कैसे मुलाकात? बिरला जी तो बहुत रॉयल आदमी है साहब, हमारे बिरला जी है, वैसे मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो बहुत रॉयल आदमी है, उनको तो हमारी भेंट तो सब पसंद करते है। ऐसा तो नेता ही नहीं हुआ हाल मोदी जी जैसा तो अपना देश में। कितना काम बिरला जी ने कराया? बहुत काम कराया बिरला जी ने, बड़ा बड़ा काम कराया बिरला जी ने, छोटा मोटा काम तो करता ही नहीं है। छोटा मोटा काम तो कोई सरपंच है विधायक है यही करता है, और बड़ा काम होता है वो बिरला जी करता है, हमारे मोदी जी करता है। कैसा रहेगा इस बार? बहुत 400 पार जी। एक ऐसे सांसद हैं ये मान के चलो राजस्थान में और कोई दूसरा सांसद नहीं होगा। कार्यकर्ता उनका जहाँ कोटा में जो व्यवस्था है, किसी कोई भी आदमी गरीब से गरीब आदमी भी अपनी समस्या लेके जाए ना तो वहाँ कैंप कार्यालय में बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। किसी काम के लिए जाओ, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, चाहे किसी का कोई गांव के विकास के लिए हो, हर काम के लिए वहाँ उनके कर्मचारी वहाँ मिलते हैं और काम होता है। तो किस तरह का आप लोगों ने क्षेत्रवासियों के यहाँ पे जो समस्या? जैसे मैं तो मेरे गाँव में ये है 60-70 लाख रुपए तो तालाब के लिए दिए उन्होंने, 20 लाख रुपए की CC दे दी है, 4 करोड़ रुपए रोड के का निर्माण अभी चल रहा है, तो काम विकास करवाया है बिरला जी ने। ऐसा थोड़ी है कहीं, मतलब ये अफवाह है कि बिरला जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत कुछ काम किया है। एक लोकसभा स्पीकर के तौर पे भी कोरोना काल में उन्होंने, मतलब हर गांव गांव में मेडिकल टीम उनकी पहुंची है, मेडिकल की हर सुविधा हर आदमी को मिली है। तो इस बार चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव बहुत शानदार रहेगा, एक तरफा है बिरला जी का। क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है, लोकप्रिय नेता है हमारे बिरला जी, हर कार्यकर्ता के सुनते हैं। कोई भी कार्यकर्ता उनके चल जाए वहाँ पे कार्यालय में तो सबका काम होता है, तुरंत अधिकारियों से बात करते हैं और जनता इतनी चाहती है उनको कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्षेत्र में किस तरह के काम उन्होंने करे? क्षेत्र में बहुत काम किए उन्होंने, बहुत अच्छा, हर पंचायत में काम किए उन्होंने। 20-20 हमारी पंचायत में 20 लाख रुपए दिए बाउंड्री के दिए और 30 लाख रुपए उसके दिए, हर मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने पैसे दिए हैं। हमारे बिरला जी का कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा और उन्होंने अभी भी हमें जो काम मांगते हैं वो देते हैं और 80-90% उसको अच्छे मानते हैं और काम में किसी का नर्तन नहीं। हमारे बिरला जी का 10 साल का कार्यकाल में हमारे लॉकडाउन में भी उन्होंने सबकी सेवा की है और हमारे जो बाहर थे हमारे दूसरे राज्यों में फंस रहे थे उनको भी वापस उन्होंने हमारे कोटा बूंदी के सभी लोगों को वापस बुलाया और जो हमारे जो मांगते वो देते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी देश के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनना चाहिए और बनेगी और 400 पार जाएंगे। किस तरह का काम क्षेत्र में करवाया? बिरला जी ने बहुत अच्छा काम कराया हमारे क्षेत्र में, सांगोद विधानसभा में अच्छा काम कराया और हमारी जो लोडाड़ा पंचायत है उनमें भी अच्छा काम किया है। कम से कम 50-60 लाख का काम उन्होंने भी दिया है और अच्छा काम किया है लोगों के लिए और किसानों के लिए। किसान के लिए हर जो हमारे यूरिया DAP किल्लत आती है उनमें भी हमारे लिए बहुत काम किया है और उन्होंने जो हर जरूरत के लिए खड़े रहते हैं। बिरला जी का यहाँ पे बूथ से तो बड़ा परसेंट आम जीता गाओ, हाँ हीरा लाल जी जीते थे कहीं ना उन 350 वोटा प्रयास से उतना ही वोटा हुआ जीता हुआ। कैसे काम कराया उन्होंने बिरला जी ने? बढ़िया काम करवाई, बढ़िया काम हो रहा है कहीं ना जो तो यह नीचे का विधायक अपना कोई जाओ टाइम पर पर फिर भी का इनाम से कोई भी काम की कर जा तो सब काम वो वहाँ करे जा। मोदी जी को कितने पसंद करती है? सब पब्लिक पसंद करती है मोदी जी को।
इस बार का मतदान कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया मतदान रहा,